हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग माइंडस्केप्स की क्लास 11 की जो पहली पोएम है कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उसके बारे में लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन उसका मतलब समझेंगे और साथ ही समरी, इस पोएम का समरी और क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो के एंड में 6 से 7 पॉइंट ऐसा दूंगा जो कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो पॉइंट्स होगा आप उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी भी आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इस चैप्टर के एंड में जो कुछ क्वेश्चंस है हम लोग उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज September 3, 1802, ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है और ये बहुत पुरानी पोएम है। 1802, जैसा कि आपको डेट दिख रहा है यहाँ पे, उस टाइम की है जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम का है ये पोएम। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो अपने सिस्टर के साथ जा रहे थे फ्रांस, और रास्ते में ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज पड़ता है और एकदम सुबह का टाइम था। उस टाइम में वो वेस्टमिंस्टर ब्रिज, वो जो ब्रिज था उसके ऊपर खड़े होकर जब वो शहर की तरफ देखते हैं तो वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, और उसी के सुंदरता को का उसकी जो सुंदरता है उसको बयां करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखा है। तो पोएम पढ़ने से पहले हम लोग चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़ लेते हैं। ये जो पोएम है ये एक इटालियन सोनेट है। सोनेट मतलब 14 लाइन का एक पोएम। सोनेट हमेशा डिवाइडेड रहता है, यहाँ पे ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड है। पहला 8 लाइन का जो राइम है वो अलग है और लास्ट का 6 लाइन जो है उसका राइम अलग है। तो मैंने आपको बताया था, मैं साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो आप लोग भी एक अगर आप ये पोएम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी एक नोटबुक लेके बैठें और उसमें मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूँ ये आप पॉइंट लिखते जाएं। तो सबसे पहले तो आप इसके राइटर का नाम लिख लिए, बाय सर विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद जो है आप लोग पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लें कि दिस पोएम इज एन सोनेट। ओके, क्या सोनेट था ये? एक दिस इज एन इटालियन सोनेट। विच इज डिवाइडेड इंटू ऑक्टेट एंड सेस्टेट। ऑक्टेट मतलब 8 लाइन और फिर सेस्टेट मतलब 6 लाइन। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया ये। अब इस पॉइंट सबको यूज़ कैसे करना है ये मैं एंड में बताऊंगा, पर फिलहाल आप इसे लिख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोएट सीज द सिटी एज पार्ट ऑफ द नेचुरल लैंडस्केप। इस पोएम में पोएट जो है वो सिटी को नेचुरल लैंडस्केप, मतलब नेचुरल लैंडस्केप मतलब हो गया जैसे आपका पहाड़, नदी, जो कुदरती जो बनावट है जो नेचुरल है। तो सिटी जो कि मैनमेड होता है, विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोएम में उसे भी नेचुरल लैंडस्केप का एक हिस्सा मान रहे हैं। ही क्रिएट्स अ पिक्चर ऑफ काम एंड वंडर इन द अर्ली मॉर्निंग लाइट। वो एक बहुत सुंदर अपने पोएम के द्वारा, अपने वर्ड्स के द्वारा बहुत सुंदर एक छवि बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे आप भी देखेंगे कि कितना कितना ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया है उस ब्रिज से जो उनको सिटी का व्यू मिल रहा था उसके बारे में। वर्ड्सवर्थ सिस्टर डॉरथी डिस्क्राइब द सीन सीन बाय हर एंड ब्रदर इन हर जर्नल। इट वाज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। द सिटी सेंट पॉल्स विद द रिवर एंड अ मल्टीट्यूड ऑफ लिटिल बोट्स मेड अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट एज वी क्रॉस्ड वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो वो शहर का नाम था सेंट पॉल्स। ये सब क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि उस ब्रिज का नाम तो ये था बट शहर का नाम क्या था, तो याद रखिएगा द नेम ऑफ द सिटी वॉज सेंट पॉल्स एंड
वो जो ब्रिज था वो उस रिवर के ऊपर से बह रहा था, उसके नीचे से छोटे छोटे बोट जा रहे थे, तो वो जो दृश्य था तो उनकी बहन और विलियम वर्ड्स और दोनों को ही वो बहुत ही पसंद आए। द हाउसेज वेयर नॉट ओवरहंग बाय द क्लाउड ऑफ स्मोक एंड दे वेयर स्प्रेड आउट एंडलेसली, येट द सन शोन सो ब्राइटली विथ सच अ फियर्स लाइट दैट देयर वॉज समथिंग लाइक द प्योरिटी ऑफ वंस ऑफ नेचर ओन्स ग्रैंड स्पेक्टेकल्स। तो सुबह का टाइम था, इसीलिए जो घर उनको दिख रहा था उस घर से वो बता रहे हैं कि धुआं नहीं निकल रहा था, मतलब क्योंकि पुराने टाइम का बात है तो हर घर में खाना वाना बनाने के लिए या फिर वो सब सर्दी वाला जगह है तो वहाँ पे चिमनी हमेशा जलती रहती है और उससे धुआं निकलता रहता है, तो वैसा भी नहीं हो रहा था और इतना शांत इतना काम वातावरण था कि ये एक नेचर का एक स्पेक्टेकल, मतलब नेचर का एक बहुत ही दुर्लभ नज़ारा इसे कहा जा सकता है, ऐसा लग रहा था। तो पोएम जो स्टार्ट करेंगे उससे पहले शॉर्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा, तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं कि इस पोएम में है क्या। और अगर देखिए समरी लास्ट में आपको मिल ही जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को ये भी बोलूँगा कि कोई भी चैप्टर हो या कोई भी पोएम हो आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए और अच्छे से समझिए, क्योंकि 11-12 में आपको ज़्यादातर क्या होता है कि कोई भी लाइन दे दिया आप बोलेगा ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, तो इसीलिए आप ये लाइन भी अच्छे से समझिए। ओके, अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर, डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाई अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर। तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू सो मोर फेयर, अर्थ में इस पृथ्वी में इससे फेयर मतलब अच्छा, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ और अर्थ हमें नहीं दिखा सकता है, ठीक है। टू सो मोर फेयर, अर्थ इस पृथ्वी पे इससे अच्छा कोई नज़ारा नहीं हो सकता है। डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय, डल वुड ही बी ऑफ सोल, सोल मतलब आत्मा और डल मतलब थोड़ा निराश टाइप का, जो जिस इंसान में एनर्जी की कमी रहती है, जो हमेशा थका हुआ है हमेशा निराश रहता है, तो वो कोई निराश प्राणी ही होगा जो कि इतना सुंदर नज़ारा देख के गुजर जाएगा यहाँ से, पास बाय यहाँ से गुजर जाएगा, क्योंकि अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, अ साइट मतलब ये जो दृश्य है ये इतना सुंदर है, मैजेस्टी में मतलब यहाँ पे हो गया ये जो दृश्य से जो ये जो महिमा ये जो नज़ारा का जो एक सुंदर आपको वातावरण मिल रहा है। तो अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी, दिस सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर, डॉथ मतलब यहाँ पे हो गया ये डू का एक फॉर्म है, पुराने ज़माने में यूज़ होता था, तो द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर मतलब ये जो सुबह का जो समय है, ये सुबह का समय ऐसा लग रहा है कि ये जो शहर है इसको ओढ़ के बैठा है, मतलब इसको पहन लिया है सिटी ने। ये लाइन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि हो सकता है ये लाइन आपको दे बोलेगा कि द सिटी नाउ डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर, क्या सिटी जो है वो क्या पहन लिया है, तो सिटी एक्चुअली मॉर्निंग जो है मॉर्निंग ऐसा लग रहा है कि सिटी ने ये जो सुबह का जो आलम है जिसे कहते हैं उसे पहन लिया है, उसे ओढ़ लिया है, ठीक है। और इससे आगे की अब आगे का पैराग्राफ हम लोग पढ़ें, आप लोग को आप कहीं जैसे अगर मैं कलकत्ता का बात करूँ, कलकत्ता में आप अगर कलकत्ता में ही नहीं आप किसी भी शहर में या फिर किसी भी अगर आप सबर्ब या छोटे शहर में भी अगर आप जाएंगे, सुबह का टाइम इतना सुहावना होता है ना, एकदम ना धूप ना गर्मी, एकदम ब्यूटीफुल वेदर भी रहेगा, टेम्परेचर भी वैसा रहता है, लाइट भी एकदम ऑप्टिमम रहता है कि जो आँख को ना लगे, और जस्ट सुबह स्टार्ट हो रहा है, सब कोई धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट कर रहा है, दुकान जैसे मैं सुबह को जब स्कूल जाता था तो वो जो
समय रहता था, आप उसे, आप भी कभी ना कभी सुबह को आप कभी ट्रेन पकड़ने गए होंगे, तो उसे इमेजिन करिए कितना सुंदर रहता है। और सोचिए अगर आप किसी ब्रिज पे चले जाते हो, ब्रिज यहाँ पे देखिए, ब्रिज का एक और भी मीनिंग है वो मैं एंड में बताऊंगा, लेकिन ब्रिज से क्या होता है कि आपको शहर का पूरा व्यू मिलता है। आप अगर कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज पे खड़े हो जाए, वहाँ से आपको कितना सुंदर नीचे से गंगा नदी बह रही है, हुगली नदी या फिर अगर आप बोले तो, और पूरा शहर का व्यू दिखता है, और उसमें से सुबह का वो समय बहुत ही रोमांचित लगता है, वो जो वातावरण होता है। तो उसे आप इमेजिन करिए, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पोएम में। ओके, तो पहला चार हम लोगों ने पढ़ा है, इसका कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो पहला चार पॉइंट पे हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहला चार पेज, पहला जो पैराग्राफ है उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हाँ, तो पहला चार लाइन में हम लोगों ने ये पढ़ा कि नथिंग इज मोर ब्यूटिफुल देन दी मॉर्निंग साइट व्यू फ्रॉम वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, बट समझ जाएंगे तो काफ़ी है। ओके, तो पहला चार लाइन का ये मतलब है। और एक पॉइंट है कि सिटी सिटी डॉट लाइक गारमेंट वेयर। ओके, चलिए अब ऑक्टेट का लास्ट चार लाइन पढ़ते हैं हम लोग, मतलब सेकंड पैराग्राफ। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल लाई ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। तो जैसे पहला चार पैराग्राफ में हम लोगों ने बस उस सीन के बारे में पढ़ा कि वो सीन इतना सुंदर है, उससे अच्छा सीन अर्थ में और कहीं नहीं है, कितना मैजेस्टिक व्यू था, और ऐसा लग रहा था कि उस शहर ने मॉर्निंग को पहन रखा है। अब ये चार लाइन में पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहे कि उनको क्या दिख रहा है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, सुबह सुबह एकदम शांत वातावरण है। शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाई, क्या क्या दिख रहा है उनको, ब्रिज के नीचे से शिप्स बह रहा है तो शिप्स शिप्स दिखा उन्हें, टावर्स मतलब जो ऊंचे ऊंची इमारतें हैं वो दिखा, डोम्स मतलब वो या गुंबज मतलब जो गोलाकार जो ये रहता है गोलाकार जो, क्योंकि पुराना पोएम है तो उस टाइम में तरह तरह के आर्किटेक्चर सिटी में हुआ करता था। अभी जैसे आपको सारा इमारत ऐसा खड़ा ऐसा वाला आपको सारा इमारत दिखता है शहर सब में, बट पहले का ज़माना में क्या था कि कुछ ऐसे रहे टावर्स कुछ डोम्स, तो वही बता रहा है यहाँ पे, डोम्स दिख रहा है, थिएटर्स दिख रहा है उनको, टेम्पल्स मंदिर भी दिख रहा है उनको, लाई मतलब दिख रहा है उनको, पड़ा वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे स्थित है, वो दिख रहा है उन्हें। ओपन अन टू द फील्ड्स एंड टू द स्काई, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वो एक ऊंचाई से खड़े होकर दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये अनंत मतलब ये खुला हुआ है, ये जो फील्ड ये जो जगह है ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये फील्ड में अनंत है। और एंड टू द स्काई, ये खुल के मतलब जाके कहीं ना कहीं वो आकाश से फिर मिल रहा है। ऑल ब्राइट मतलब ये उस शहर का सिटी के बारे में बोल रहे हैं कि वो शहर के सिटी में आपको अगर आप कहीं ऊंचाई जगह से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, कि एक छोटा सा जगह में आपको सिटी दिखेगा और यहाँ पे खाली खाली जगह दिखेगा, तो ऐसा लग रहा कि ओपन फील्ड्स है, और ये जो जाके कहीं ना कहीं जाके फिर
ये जो पॉइंट लगता है, ऐसा लगता है कि आसमान और इसका मिलन हो रहा है। तो वो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर। जितनी भी चीज़ उन्हें दिख रही है सब एकदम ब्राइट, मतलब उजला, एकदम साफ साफ दिख रहा है। और ग्लिटरिंग, वो जो सुबह का जो एक जिसे कभी कभार एक गोल्डन आवर भी कहते हैं, क्योंकि तब का जो धूप रहता है वो एक गोल्डन कलर का लगेगा, कोई भी चीज़ पे पड़ता है तो आपका वो एक येलोइस एक लाइट एमिट होता है, उससे ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है। तो वैसा ही लग रहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं चमक रही है। और स्मोकलेस एयर, सुबह का टाइम है, कोई धुआं नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं, एकदम साफ सुथरा वातावरण है, उसमें सब चीज़ ऐसा लग रहा है कि चमक रहा है। तो सेकंड लास्ट ये जो चार लाइन है इसमें वो बता रहे हैं कि उनको दिख क्या रहा है, क्या क्या दिख रहा है, शिप्स, टावर्स, डोम, थिएटर्स एंड टेम्पल्स। और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो शहर है ये फील्ड और स्काई से जाके मिल रहा है, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें चमक रही है, चमक रही है और साफ साफ दिख रही है स्मोकलेस एयर में। तो सेकंड पैराग्राफ से हम लोग क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं कि सिटी सिटी ओपन अन टू फील्ड्स, ओपन अन टू द फील्ड्स एंड स्काई, एवरीथिंग लुक्स ब्राइट एंड ग्लिटरी। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट 6 लाइन जो है स्टेट उस पे आ जाते हैं। नेवर डिड सन मोर ब्यूटिफुली स्टीप। देखिए कवि लोग का लिखने का एक तरीका होता है, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इससे सुंदर तरीके से सूरज कभी निकला ही नहीं था, कभी खिला। स्टीप मतलब स्टीप राइज, एक होता है जैसे सूरज जो उदय होते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इससे ब्यूटीफुली कभी सूरज नहीं निकला था। इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर वैली, रॉक और हिल, चाहे कहीं भी हो, वो वैली हो या कोई भी रॉक मतलब पहाड़ हो, या छोटा सा हिल मतलब पत्थर हो या हिल हो, कहीं पे भी इतना सुंदर सूरज का रोशनी नहीं लगता था जितना आज इस सिटी में लग रहा है। नेवर सॉ आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप। ना ही मुझे कोई चीज़ देख के, ना ही कभी ऐसा फील हुआ, इतना शांति, ये एक जो एक गहरा शांति का जो अनुभव हो रहा है ये सुंदर दृश्य देख के, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल। ऐसा लग रहा है कि रिवर ग्लाइडेड मतलब ग्लाइड ग्लाइड करना, मतलब बहना, ये एक फॉर्म यूज़ किया है, पुराने टाइम में ऐसे यूज़ करते थे ये। तो द रिवर ग्लाइड एट हिज ओन स्वीट विल, ऐसा लग रहा है कि जो नीचे वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे से जो थेम्स नदी बह जा रही है, अपने ही अपने मस्त मौला हो के, अपने मर्जी का मालिक हो के वो आराम से बहे जा रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं। डियर गॉड द वेरी हाउसेज सीम अस्लीप। वो बोल रहे हैं ओ भगवान, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो घर है ये भी सो रहा है। सुबह का टाइम है, जैसे आप भी अगर बाहर निकलोगे तो एकदम सब कुछ शांत है, कहीं पे कोई चहल पहल नहीं, तो ऐसा लगेगा कि हाँ सही में रोड, जो रोड है, जो रोड के किनारे जो आपका बिल्डिंग है वो भी सो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट इज़ लाइंग स्टिल। एंड ऑल दैट माइटी हर्ट मतलब यहाँ पे सिटी को बोला जा रहा है, ये जो सुंदर ये है सिटी है वो शांत पड़ा हुआ है। तो लास्ट जो आपका ये है, इस 6 लाइन में पोएट ने क्या किया है कि नेचुरल चीज़ों को कंपैरिजन कर दिया है आपका सिटी के चीज़ों से। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्प्लेंडर वैली, रॉक घाटी हो या हिल हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता, माने सूरज की रोशनी का इतना सुंदर प्रभाव कहीं और नहीं दिखा था।
तो वो इस सिटी को कंपेयर कर रहे हैं इस वैली से, इस रॉक से या फिर हिल से। और इस पोएम का एक मैं आपको एक हिडन मीनिंग भी बताता हूँ। देखिए इस पॉइंट से आपको, अब जब आप क्लास 11 हो या 12 हो, अब आप सिंपल जो वर्ड्स सिंपल वर्ड्स में आंसर लिखने से नहीं होगा, अब आपको कुछ ऐसे वर्ड्स देने पड़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिले, क्योंकि आपका क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो आपको वर्ड्स भी स्टैंडर्ड यूज़ करना पड़ेगा। और आपको मीनिंग भी, क्योंकि पोएम जो है वो पोएट जो है वो पोएम लिख देता है, लेकिन उसके कई तरह के मायने निकाले जा सकते हैं पढ़ने के बाद। तो इस पोएम को पढ़ने के बाद हम लोग क्या मतलब निकाल सकते हैं, बिकॉज दिस पोएम इज़ डिस्कसिंग अबाउट ब्रिज, सो दिस पोएम इज़ एक्चुअली अ ब्रिज बिटवीन सिटी सिटी लाइफ एंड नेचुरल लैंडस्केप। सिटी लाइफ नहीं, सिटी। ओके, तो दिस, ये आप समरी में ये वाला पॉइंट यूज़ कर सकते हैं कि दिस पोएम इज़ अ ब्रिज बिटवीन द पोएट ट्राइज टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन सिटी एंड नेचुरल लैंडस्केप। ही इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी ऑफ द सिटी विथ द नेचुरल कंडीशन, लाइक द वेदर, द टेम्परेचर, द लाइट दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सन रेज एट दैट टाइम। ही इज़ ऑल्सो ऑब्जर्विंग दी, आप लोग चाहें तो ये पॉइंट सबको स्लो करके लिख भी सकते हैं। ही इज़ ऑल्सो ऑब्जर्विंग दी सिटी फ्रॉम दी वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज एंड ही इज़ ओवर लुकिंग द फील्ड्स एंड हाउ द सिटी इज़ मीटिंग विद द स्काई, हाउ इट सीम्स लाइक द सिटी इज़ मीटिंग विद द स्काई। ओके, और ये सब लाइन स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये लिख देना कि दिस पोएम इज़ अ इटालियन सोनेट, इट्स डिवाइडेड इनटू ऑक्टेट एंड सेस्टेट। इससे लगेगा कि आपको पोएम का टेक्निकल नॉलेज के बारे में भी पता है। इसके बाद तो जो पोएम है उसमें आप डिस्क्राइब कर दें कि किस तरह पोएट जो है फर्स्ट फोर लाइन में वो किस तरह वो अचानक से रुक जाते हैं वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे, और उनको उसका ब्यूटी का एहसास होता है कि इससे सुंदर चीज़ वो शायद नहीं देखें कभी। फिर लास्ट चार लाइन में, सॉरी सेकंड चार लाइन में या सेकंड स्टैंजा में वो बताते हैं कि किस तरह वो जो वहाँ का समय है, वातावरण है, वो शांत है, एकदम शांत है, और उनको शिप्स, टावर्स ये सब दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ है वो सब ग्लिटर कर रहा है उस स्मोकलेस एयर में। और लास्ट सिक्स लाइन में आप बता सकते हैं कि ये जो सूरज का जो रोशनी है वो सिटी पे पड़ के इतना अच्छा लग रहा है कि पोएट को ऐसा लगा कि कहीं ये नेचुरली जिस चीज़ पे पड़ता है, जैसे हो आपका वैली हो गया या हिल हो गया, उस पे भी इतना सुंदर नहीं लगता है जितना ये निखर के निकल रहा है ये सिटी। और उनको कभी इतना शांत या कभी इतना अच्छा अनुभव नहीं हुआ किसी भी चीज़ को देख के। ऐसा लग रहा है कि वो जो जो नदी है वो आराम से बहे जा रही है, और वो जो शहर है वो उस समय सुबह के समय वो शहर सोया हुआ है। तो यही था इसका समरी। आप लोग को अगर रिटन में इसका शॉर्ट समरी चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, तो मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट समरी डाल दूँगा। बट मैंने जानबूझ करके सिर्फ पॉइंट्स बताए ताकि आप लोग खुद से भी लिखें, क्योंकि देखिए मैं डाल दूँगा, आप लोग देख के लिख दोगे, वो उससे आप सीखोगे नहीं। और ये जो 11 12 का टाइम है इसमें आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, आंसर राइटिंग, ये सब खुद से थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन सब देख लेते हैं। द मूड ऑफ द पोएम इज ट्रेजिक, नॉस्टैल्जिक, कॉमिक, ट्रैंक्विल। तो ये मूड ऑफ द पोएम क्या होना चाहिए? ट्रेजिक नहीं, ट्रेजिक नहीं है, दुखद नहीं है, कॉमिक हंसी वाला भी नहीं है, नॉस्टैल्जिक माने पुराना इसमें भी नहीं है, ट्रैंक्विल। हाँ, ट्रैंक्विल मतलब इन ऑ, मतलब भौचक्का टाइप का रह जाना या फिर एक मंत्रमुग्ध रह जाना, तो हाँ ये ट्रैंक्विल है। द पोएट सीज लंडन एज पार्ट ऑफ नेचर, नर्व सेंटर ऑफ कॉमर्स, एलियंटेड फ्रॉम नेचर, आइसोलेटेड। तो ये भी बहुत सुंदर एक क्वेश्चन है।
इससे आप एक आंसर भी लिख सकते हो कि वो जो वो शहर को देख रहे, सेंट पॉल जो शहर को देख रहे, वो शहर ऐसा लग रहा है कि वो पार्ट ऑफ नेचर है। वो जो डिस्क्राइब किए थे जिस लाइन में, फील्ड और स्काई, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्रिज है वो मैन मेड और नेचुरल चीज़ के बीच का अंतर को ही मिटा दिया है। हम लोग ब्रिज इसीलिए बनाते हैं, राइट, कि इस पास से उस पास हम लोग जा पाएँ और वो जो अंतर है उसको मिटा पाएँ। तो ये ब्रिज जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, ये लाइन भी आप लोग लिख सकते हैं अपने समरी में, या कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके आंसर में तो अच्छा पॉइंट मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि वो जो सिटी है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर। द पोएट इन्हांसेस लंडन बाई यूजिंग डिटेल्स इन आर्किटेक्चर, रेफरेंस टू रॉयल्टी, हाईलाइट्स ऑफ द सिटी। तो इसका आंसर है हाईलाइट्स ऑफ द सिटी। वो कितना अच्छा से बताते हैं, डोम्स दिख रहा है, ये दिख रहा, कोई स्मोकलेस नहीं है, कोई सारा घर जो है शांत पड़ा हुआ है, कहीं से स्मोक नहीं निकल रहा। लंडन इज सीन इन द मॉर्निंग लाइट, एट ट्वाइलाइट, एट नून, एट मिडनाइट। तो इसका आंसर है मॉर्निंग लाइट, उस सब मॉर्निंग सुबह के समय का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द सिमिली, अर्थ हैज नथिंग टू शो दैट इज फेयरर, द एयर इज ब्राइट एंड ग्लिटरिंग, द सिटी वेयर्स द ब्यूटी ऑफ मॉर्निंग लाइक अ गारमेंट, द सन स्टीप्स द सिटी इन इट्स स्प्लेंडर। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि यही होगा आंसर, सिटी वेयर्स द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग लाइक अ गारमेंट। ऐसा लग रहा कि ओढ़े हुए हैं। चूज ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर द गिवन क्वेश्चन। व्हाट फीचर्स रोमांटिक पोएट्री डू वी सी हियर? सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, सेलिब्रेशन ऑफ सिटी एज नेचुरल लैंडस्केप, सेलिब्रेशन ऑफ मैन, सेलिब्रेशन ऑफ द होमलैंड। इसका ये आंसर यहाँ पे पता नहीं कौन मार्क किया हुआ, ये गलत है। इसका होगा सेलिब्रेशन ऑफ सिटी एज नेचुरल लैंडस्केप। वट इज़ द फीलिंग दैट पोएट एक्सपीरियंसिस दैट ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस बिफोर? द फीलिंग ऑफ काम, द फीलिंग ऑफ एक्सटेसी, द फीलिंग ऑफ जॉय, द फीलिंग ऑफ वॉन्डर। इट शुड बी द फीलिंग ऑफ काम। अगेन दिस इज रॉन्ग। उन्हें शांति का उन्हें अनुभव होता है। वॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पोएट्स सेलिब्रेशन? नेचर, अर्थ, लंदन, ब्रिटेन। एक्चुअली वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं उस शहर को, सेंट पॉल शहर, जो कि लंदन का ही एक शहर है। लेकिन यहाँ पे वो खुश इसलिए हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ नेचर का एक पार्ट लग रहा है। तो इसका आंसर नेचर होगा, लंदन नहीं होगा। हाउ डज द पोएट रेफर टू द सन एंड द रिवर? एज एलिमेंट्स ऑफ नेचर, एज फिनोमेना, एज एनिमल, एज गॉड्स। ओके, एज एलिमेंट्स ऑफ नेचर इसका आंसर होगा। हाउ डज द पोएट प्रेजेंट लंडन इन द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग? तो इस आंसर में आपको बताना है कि किस तरह वो सुबह के टाइम को डिस्क्राइब करते हैं। वैन चार पाँच चीज़ आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला चीज़ होगा कि इट्स काम, इट्स मॉर्निंग में एकदम शांत वातावरण है, सो इट्स वेरी काम। सेकेंड इज ड्यू टू द सनलाइट इट अपियर्स, एवरीथिंग अपियर्स ब्राइटर एंड एंड ग्लिटरी। एंड द थर्ड थिंग आप डिस्क्राइब करते हैं द इन द स्मोकलेस एयर द पोएट कैन सी द होल व्यू ऑफ द सिटी, ही कैन सी द डोम्स, द टेम्पल्स, टावर्स, एवरीथिंग। एंड उसके बाद फाइनल चीज़ आप जो डिस्क्राइब करेंगे वो द स्टेट ऑफ द सिटी, मतलब एट दैट टाइम इन द मॉर्निंग एवरीथिंग इज क्वाइट एंड काम, सो इट फील्स एज इफ द सिटी इज स्लीपिंग। ओके, ये हो गया। सेकेंड हो गया आपका पॉइंट द पोएट, सेकेंड क्वेश्चन है द पोएट यूजेज वर्ड्स लाइक साइलेंट, बेयर एंड काम इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब लंडन। हाउ डज दिस एटमोसफेयर गिव द सिटी अ स्पेशल कैरेक्टर? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइलेंट, शांत, बेयर, मतलब एकदम शांत और काम, मतलब काम से रिलेटेड ही, शांत से रिलेटेड ही ये तीनों वर्ड है। तो एक सिटी जो कि सिटी जाना जाता है चहल पहल के लिए, तो ये तीनों वर्ड किस तरह से उस एटमॉस्फेयर को बता डिस्क्राइब कर रहा है? तो इसमें आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं कि ऑन अ कॉन्ट्रेरी द सिटी इज़ नोन फॉर इट्स रश एंड नॉइजेज एंड पोल्यूशन, बट एट दैट
time of the day in the morning when the poet observes the city from that Westminster Bridge. Everything appears to be so calm because everyone is sleeping at their home, and there is no rush on the road, there is no smoke coming out of the chimney, so everything feels as if everything gives appearance of very calm and very very relaxed. Okay, और इसे और आप इसमें एक दो लाइन और जोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अब आगे का भी अगर हम लोग करने जाएँ तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, या आपको नहीं समझ में आ रहा कोई पॉइंट, तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका आंसर दूंगा। और एक चीज़, अगर आपको और आगे का भी वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इससे क्या होगा कि जैसे ही लाइक्स के बढ़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का, और अब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। So thank you once again.